वही दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में बहुत अजीब स्थिति पैदा हो गई है। जेल से कोई सरकार नहीं चलती, ये अरविंद केजरीवाल की जिद है कि वो इतने बड़े आरोप में जेल में है लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। शायद उन्हें लगता है कि उनके इस्तीफा देते ही बाकी आम आदमी पार्टी नेता कमान संभाल लेंगे। ना तो उनमें सुशासन की क्षमता है और ना ही उनके दूसरे मंत्रियों और विधायकों में क्षमता है। इसी लापरवाही के कारण ओल्ड राजेंद्र नगर और आशा किरण की घटनाएं हुई। देखिए, दिल्ली के अंदर एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। मुझे लगता है पूरे विश्व के इतिहास में या एटलीस्ट देश के इतिहास में कोई भी सरकार जेल से कभी चलती हुई नहीं देखी गई। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल साहब की हठधर्मिता है कि वो जेल में भी रहेंगे करप्शन चार्जेस में, शराब के इतने बड़े घोटाले के चार्जेस में वो जेल में है, पर वो रिजाइन देने को तैयार नहीं है। शायद उनको लगता है कि मेरे रिजाइन देते ही जो आम आदमी पार्टी के बाकी नेता हैं वो उस पर कब्जा कर लेंगे। वो ये भी दर्शाता है कि उनकी परिवारवाद की पार्टी है, और जेल से सरकार चल नहीं सकती। इसलिए नहीं चल सकती कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन होने के लिए सीएम साहब के पास अगर जाएगा वो गोपनीय होता है, उसको किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उनके पास जेल में रहते हुए वो बिना सुप्रीटेंडेंट या अथॉरिटीज के पढ़े उनके पास नहीं जा सकता। इस कारण से कोई भी काम एज चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब कर नहीं पा रहे हैं, और ना उनमें क्षमता है अच्छी गवर्नेंस की और ना ही उनके बाकी मंत्री और विधायकों में क्षमता है, जिसके कारण से कभी राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की डेथ होती है। ये उनकी प्योर नेग्लिजेंस है, और आशा किरण के अंदर भी प्योर नेग्लिजेंस के कारण, व्यवस्थाएं ठीक ना होने के कारण ये हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि केजरीवाल साहब को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि अब दिल्ली के नागरिकों का नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है।